हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का दिन है और बज रहे हैं दोस्तों 9, और आज धूप जो है बहुत तेज़ चढ़ी हुई है। और मैं आई हूँ ऊपर, एक तो मैंने व्लॉगिंग की स्टार्ट करनी थी इसीलिए, और दूसरा मैंने कल रात को धोए थे कपड़े वो डालने थे, तो वो डालने के लिए मैं ऊपर आ गई थी। ये देखिए, ये सारे कपड़े धोए थे, ये अभी मैंने डाल दिए हैं। और गाइस, अभी जो है ये सूखेंगे कपड़े और उसके बाद मैं इनको नीचे ले जाऊंगी। फ़िलहाल ठंड बहुत लग रही थी तो मैं भी ऊपर आ गई थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। पापा जो है वो अभी नहा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे मंडी, क्योंकि आज जो है हमारे घर में सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आज सब्ज़ी लेने के लिए हम लोग जाएंगे। और मंडी हमारे पास में है, तो यहाँ पर हमें जो है सब्ज़ी जो है वो थोक के भाव मिल जाती है, सस्ती मिलती है, तो क्योंकि हमारा एकदम पास में है अगर, तो अभी मंडी जाऊंगी थोड़ी देर में और अपनी मनपसंद सब्जियां लेके आऊंगी सारी। और साथ में मैं ऊपर आ गई हूँ और साथ में मैं ले आई हूँ मेथी, क्योंकि आज मेथी बनेगी। मैंने सोचा कि इसको मैं, ये मेथी है ये ऊपर ले आई, इसको भी खोलूँगी और ये सारी छांटूँगी अच्छे से और फिर इसको बनाऊँगी, तो ये खाने में बड़ी अच्छी बनती है, बड़ा मज़ा आता है मेथी खाने का। तो गाइस, मिलती हूँ आपको मैं मेथी छाटने के बाद, तो थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मिलती हूँ। और मेथी तो खैर मैं बाद में ही छाटूँगी, अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ, मैं जाऊँगी अभी मंडी, तो पहले चलती हूँ मंडी उसके बाद छंटेंगे मेथी। तो चलिए मेरे साथ गाइस, आप भी चलिए मंडी जल्दी। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं मंडी, तो देखते हैं अभी कौन कौन सी सब्ज़ी लेनी है, अभी देखेंगे आज क्या क्या सब्ज़ी सस्ती है और कौन सी सब्ज़ी महंगी है। और देखिए कितनी सुंदर मूलियाँ हैं जो लगी हुई हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं आज, तो देखती हूँ अभी क्या लेंगे, आगे जाके पता चलेगा। तो जी, मैंने सामान ले लिया है मंडी से और मैं और पापा जा रहे हैं घर वापस, तो अभी घर पहुंचेंगे, उसके बाद गाइस मैं पीऊँगी कॉफ़ी और मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो जी, मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी एक कप कॉफ़ी की, तो मैं ले आई हूँ कॉफ़ी मग भर के पीने के लिए, क्योंकि बड़ा मन कर रहा है आज कॉफ़ी पीने को, ब्लैक कॉफ़ी, तो अभी पीऊँगी मैं कॉफ़ी। आ गई थी मैं मंडी से वापस और जो मैंने मेथी रखी थी ऊपर दो गुच्छियाँ, वो देखिए गाइस वो इतनी सारी इतनी निकली है, बस यही जो है ये इतना सा पतीला निकली है, और जब ये बनेगी तो और थोड़ी सी हो जाएगी, तो दो गुच्छियों में से इतनी सी मेथी निकली है सारी, क्योंकि ये फ्रेश है, तो देखना ये कैसी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। चीज़ की मुझे बड़ी हो रही है चिंता, वो ये है कि मेरा जो है वो रिचार्ज हो चुका है ख़त्म, और आज मैं पता नहीं कैसे ये वाला व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी, देखती हूँ, लगता है पड़ोसियों का जो है वाईफाई वो चोरी करना पड़ेगा, तो देखती हूँ कैसे चलता है। तो गाइस, मेथी बन के तैयार है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये एकदम थोड़ी सी रह जाएगी, तो ये फ्रेश होने के कारण बिल्कुल थोड़ी सी बन गई है, और ये मुश्किल से दो कटोरी बनी है मेथी जो है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थी तो इसीलिए ऐसा हो गया। और अब मैं खाऊंगी इसको और बताऊंगी कि कैसा लग रहा है मुझे। तो जी, हो चुकी है रात और मैं अभी बनाने जा रही हूँ नूडल्स, और ये मैंने सब्जियाँ जो है वो काट ली हैं, और ये काटा है मैंने प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, और यहाँ पे जो है मिर्ची उबालने के लिए रखी है, क्योंकि होम मेड जो है मैं यूज़ करूँगी। तो जी, यहाँ पे तैयारी हो रही है नूडल बनने की पूरी, तो नूडल बनाने के लिए मैंने जो है ये नूडल उबाल लिए हैं, और कढ़ाई में जो है वो ऑयल में
डाले हुए हैं प्याज, और यहाँ पे मैंने काटी हुई है ये लास्ट बीन, और ये चॉपर में मैंने कर ली थी। और ये होममेड चटनी है जो कि मैंने बनाई है मिर्ची टमाटर और लहसुन से। और जैसे कि आपको पता है कि ये मोमोज टाइप चटनी है, तो इसमें मैं होममेड जो है वो चटनी यूज़ करूँगी, सोया सॉस और सिरका यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस नूडल्स में। तो मेरे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाएं, उसके बाद ही मैं सब्ज़ियाँ डालूँगी इसमें। तो ये देखिए गाइस, ये जो सब्ज़ियाँ हैं ये डाल चुकी हूँ मैं, और सारी सब्ज़ियाँ डाल दी क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से करना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो मैं आपको पूरा बताती कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या डाला है इसमें। फ़िलहाल तो अभी सब्ज़ियाँ ही डाली हैं, तो सारी सब्ज़ियाँ डाल चुकी हूँ। और बंद गोभी जो है वो मैंने रखी हुई है डालने के लिए, वो नहीं डाली अभी, ये थोड़ी सब्ज़ियाँ सोटे हो जाएँ उसके बाद ही डालूँगी। तो बंद गोभी के बाद डालने के बाद ये मैंने नूडल्स भी डाल दिए हैं। तो देखिए गाइस कितने अच्छे और खिले खिले नूडल्स बने हैं, क्योंकि मेरा जो है रात में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, चटपटा खाने का मन था, तो मैंने ये नूडल्स बना लिए। देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो गाइज़ नूडल के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइज़ हो चुकी है रात, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नए व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। और गाइज़ एक बात बोलूँ, मैंने बना तो लिया है ये व्लॉग, पर पता नहीं मैं इसको अपलोड कैसे करूँगी क्योंकि रिचार्ज मेरा बिल्कुल ही ख़त्म है, रिचार्ज है ही नहीं है। और मैंने कोशिश की थी कि मैं पहले ये अपलोड करूं, पहले नहीं बनाया था मैंने, तो ये क्लिप मैंने अभी जोड़ी है, ये क्लिप मैंने पहले नहीं बनाई थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको अपलोड कर दूंगी, तो मैं अपलोड करने के लिए गई थी, बट गाइज जो है पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारे पड़ोसियों का, तो पासवर्ड जो है वो वाईफाई का लगा नहीं है। तो अभी पता नहीं कि ये अपलोड होगा या नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास जो है मनी प्रॉब्लम है, तो मैं रिचार्ज नहीं करवा पाऊँगी। तो देखते हैं कि कैसे चलता है और कैसे होता है ये अपलोड। तो मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।